दोस्तों, जो हमारा इस प्रकार से खराब ड्राइवर सर्किट आता है ना, तो आज हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे ना कि जो हमारा सर्किट है ना वो काफी लंबे टाइम तक चले और जो दोस्तों हमारा सर्किट है वो जल्दी खराब ना हो। तो देखिए कैसे इसको हम बना सकते हैं कि जो हमारा दोस्तों लंबे समय तक टाइम तक चलेगा, यानी पूरी तरह से दोस्तों डेड पड़ा हुआ सर्किट आपके पास पड़ा है तो आप उस सर्किट से आप बना सकते हैं। हाँ, इसमें दोस्तों आपको कुछ कंपोनेंट सही होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पर देखिए हमको, यहाँ पर देखिए जो इसमें एक एक कैपेसिटर लगा रहता है ना, यहाँ पर देखिए 100 वोल्ट है, 68 माइक्रोफेरेट, तो ये हमारा सही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक ब्रिज हमारा, ये भी सही होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी दोस्तों आप इस प्रकार का ड्राइवर सर्किट लें ना, तो आप मल्टीमीटर से एक बार ब्रिज रेक्टिफायर को टेस्ट कर ले, इसके बाद ही दोस्तों आप आगे का सर्किट बनाने को चलें। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बजट के रेंज में सेट करना होगा। जो भी दोस्तों हमारा कंटिन्यूटी मोड दिया रहता है, हर मल्टीमीटर में दिया रहता है, तो आपका इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इधर वाला पॉइंट हमारा डीसी पॉइंट होता है, देखिए इधर और हमारा डीसी पॉइंट हो गया और इधर का हमारा एसी पॉइंट हो गया। तो देखिए डीसी पर एक तरफ रीडिंग आता है, एक तरफ रीडिंग नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए 1200-1300 करीब में रीडिंग आता है दोस्तों डीसी तरफ। तो यहाँ पर चेक कराते हैं आपको, देखिए यहाँ पर हमारा जो रीडिंग है ना, यहाँ पर देखिए रीडिंग, देखिए देखिए 500 का ही रीडिंग आ रहा है। देखिए कुछ ही रीडिंग आया, देखिए चला गया, देखिए अब रीडिंग नहीं आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम प्रोब को उल्टा करके देख लेते हैं कि रीडिंग आता है कि नहीं, तो देखिए फिर भी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है ना यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है ना उसके वजह से भी ना आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया, देखिए 1100 के करीब में रीडिंग आ रहा है, तो सही है। यहाँ पर एसी पॉइंट को चेक कर लेते हैं कि एसी पॉइंट हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए एसी पॉइंट पर हमको कुछ भी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब ये भी हमारा सही है। प्रोब को उल्टा करके देख लेते हैं, देखिए रीडिंग नहीं आ रहा है, यानी हमारा सही है, रेक्टिफायर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा ना, यहाँ से देखिए इतने भाग को कट करना होगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम यहाँ से इसको इस प्रकार से कट कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इतने भाग को मैं कट कर लेता हूँ, देखिए यहाँ से स्क्रैच कर लेता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसको कट कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भाग को ना मैं अलग रखता हूँ और यहाँ पर इसको अलग रखता हूँ। तो इतना भाग तो दोस्तों कट गया, यहाँ पर देख सकते हैं पीएफ कैपेसिटर हो गया और दोस्तों एक हमारा क्वाल हो गया और यहाँ पर एक हमारा कैपेसिटर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ना इस वाले पॉइंट पर हम एक फ्यूल रेजिस्टेंस लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक ही क्वाइल के थ्रू जा रहा है और यहाँ पर हमारा डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम 47 ओम का हाफ वाट का रेजिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं ना कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, हमारा यहाँ पर एक पॉइंट बच रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम वायर लेंगे, देखिए वायर लेने के बाद ना यहाँ पर इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। देखिए एक वायर हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा इस वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कनेक्ट कर लिया और एक को यहाँ पर कनेक्ट किया, दोनों हमारा कनेक्ट हो गया अच्छे से, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया कनेक्ट हमारा। तो अब हम एक MCPSV लेंगे, यहाँ पर देखिए मेरे पास से 9 वाट का MCPSV है, तो इसको ना यहाँ पर कनेक्ट करना है। देखिए जो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है माइनस पर, और दोस्तों जो कैपेसिटर का प्लस पॉइंट है यहाँ पर प्लस पे लगा है। यहाँ पर शायद रेक्टिफायर पर भी दोस्तों लिखा रहता है, तो शायद इसमें दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों हमारा जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इधर वाला भाग जो है ना, इधर हमारा माइनस रहता है, इधर प्लस रहता है। तो वैसे कैपेसिटर भी आप देख सकते हैं, इधर वाला पॉइंट हमारा ये वाला माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। तो MCPSV का माइनस और प्लस को देखते हुए यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। माइनस तो हमारा यहाँ पर माइनस पॉइंट हो गया, देख सकते हैं इस प्रकार से, और इधर हमारा प्लस पॉइंट हो गया, देखिए यहाँ पर प्लस को कनेक्ट। देखिए माइनस प्लस को मैंने इस प्रकार से कनेक्शन कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए जो वायर लगाया है ना, यहाँ से मैं वायर को हटा लेता हूँ, वैसे वायर को का कोई काम नहीं है। तो ये वायर तो हट गया, अभी यहाँ पर एक हम फैन कैपेसिटर लेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास 3.15 माइक्रोफेरेट का फैन कैपेसिटर है, तो इसको ही लगाएंगे, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं रहता है। कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर दोस्तों, हमने वायर कनेक्ट किया था ना, सेम दोस्तों उसी जगह कनेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया, अब एक वायर यहाँ पर लगा देंगे और एक हम फ्यूल रेजिस्टेंस पर लगा देंगे। तो चलिए हम चेक करके देख लेते हैं
कि हमारा जो सर्किट है वो वर्क करता है कि नहीं। अगर दोस्तों अगर इस प्रकार से आप बनाते हैं ना तो सर्किट दोस्तों 100% लंबे समय तक चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। लेकिन आप इस प्रकार से अगर कुछ कंपोनेंट इसमें ऐड करेंगे तो अगर डायरेक्ट चला देंगे ना तो ख़राब हो जाएगा। तो आज ना हम आपको डायरेक्ट भी चलाकर दिखाएंगे, यानी इसे फैन कैपेसिटर को हटाकर भी दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक कमेंट आया था कि सर जो हम पीएफ कैपेसिटर लगाते हैं इस प्रकार से, जो भी दोस्तों हमारे पास पीएफ कैपेसिटर रहता है 115 जे या 105 जे, दोस्तों 155 जे, यहाँ पर मैं 155 जे भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ए भी दोस्तों आता है ना 155 जे 450 वोल्ट का, तो इसके बिना हम कैसे चला सकते हो, तो वो भी दोस्तों आपको बता दूंगा, डायरेक्ट चला करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाकर चेक कर लेता हूँ। तो देखिए अभी हमारा अच्छे से जल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो ये तो जल रहा है। वैसे जो फैन कैपेसिटर है ना, मैंने ज़्यादा वैल्यू लगा लिया। यहाँ पर जो फैन कैपेसिटर का वैल्यू रहेगा यहाँ पर 2.2, यानी दोस्तों 2.25 माइक्रोफैराड का ले सकते हैं। यहाँ पर इसको ना आप 12 से 15 वाट में यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा ओवर करंट देगा तो हमारा जो एलईडी है ना वो फ्यूज हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ से बिना फैन कैपेसिटर का कि जलता है कि नहीं। तो वैसे जब भी दोस्तों आप फैन कैपेसिटर यूज करें ना, तो आप यहाँ पर ना जो फैन कैपेसिटर लगाएं वो 2.5 का लगा लीजिए, यानी 2.50 mmD का लगा लीजिए। इसको आप मत लगाइए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा mmD करेगा तो हमारा एलईडी ख़राब हो जाएगा, तो आप इसको ना ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट लगा के आपको दिखाता हूँ कि चलता है कि नहीं, कि हमारा एलईडी ही दोस्तों फ्यूज रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर देखिए हमारा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि MCPCB की हालत क्या रहती है, यहाँ पर आपके सामने अभी पता चल जाएगा। देखिए इस प्रकार से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसको सीरीज बोर्ड में लगाता हूँ और आप भी देखिएगा दोस्तों कि मेरा सीरीज वाला जलता है और जो MCPCB का हालत वो भी आप देख लीजिएगा क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैं सीरीज बोर्ड में कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए देखिए वैसे MCPCB चल रहा है, लेकिन दोस्तों जो हमारा है ना सीरीज वाला, देखिए यहाँ पर हाफ ग्लो हो रहा है, देखिए पूरा का पूरा हाफ ग्लो हो रहा है और MCPCB तो जल ही रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए MCPCB से धुआं उठने लगा, देखिए यहाँ पर देखिए आपके सामने, देखिए देखिए थोड़ी ही देर में दोस्तों जो MCPCB है ना वो फ्यूज हो जाएगा। तो चलिए छोड़ते हैं इसको, तो इस तरह दोस्तों नहीं जलेगा, असंभव वाली बात है। अगर जलाएंगे तो तुरंत फ्यूज हो जाएगा। अभी यहाँ पर ना चाहे तो देखिए यहाँ से वायर हटा करके यहाँ पर जो हम कैपेसिटर लगाए थे ना यहाँ पर चेक कराते हैं। देखिए 155 जे है, भी लगा करके आपको दिखाते हैं कौन सा हमारा सूटेबल रहेगा, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं। अब इसको मैं सीरीज बोर्ड में लगा करके देख लेता हूँ। देखिए अच्छे से ग्लो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सीरीज वाला भी लैंप साथ में दिखा दूँ ताकि आपको भी विश्वास रहे। देखिए यहाँ पर सीरीज वाला लैंप बिल्कुल नहीं ग्लो हो रहा है, देख सकते हैं, और MCPCB भी बढ़िया तरीके से हमारा फुल ब्राइटनेस में ग्लो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये लगा सकते हैं 100 जो है 15 जे दोस्तों है, यहाँ पर देख लेते हैं शायद 115 जे ही था दोस्तों, हाँ 115 जे 400 वोल्ट का है, तो ये तो सही से चल रहा है इससे। चलिए अब 155 जे से भी चेक कर लेते हैं, ऐसे 155 जे से भी जलेगा। तो आप चाहे ना तो आप इस प्रकार से छोटा कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपके पास है तो लगा लीजिए। और दोस्तों आप ना फैन कैपेसिटर लगाएं ना तो कम वैल्यू का लगाएं, अगर आप इतना ज़्यादा वैल्यू का लगा देंगे ना तो ख़राब हो जाएगा। देखिए इससे भी जल रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस में काफ़ी ज़्यादा है यानी उसके मुकाबले। और यहाँ देखिए जो सीरीज वाला लैंप है नहीं ग्लो हो रहा है, तो आप 155 जे भी लगा सकते हैं। और जो 105 जे है ना, सॉरी 115 जे ना, इसको आप 7 वाट में यूज कर सकते हैं, और इसको आप 9 वाट से लेकर के 12 वाट में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ 7 वाट में ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे ना थोड़ा सा ब्राइटनेस लो आ रहा है। और यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, इसको आप 15 वाट या 12 वाट में यूज कर सकते हैं, वरना स्विच में आप अगर यूज करेंगे ना तुरंत ही उसको ब्लास्ट कर जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।